बड़ी खबर संभल से है, जहां एक महिला को उसके मासूम बच्चे के सामने हवस का शिकार बनाया गया। आरोपी के पति के दोस्त ने महिला के मासूम बेटे के सामने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के आरोपी के साथी ने फोटो खींचे और वायरल करने की धमकी दी। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हैरान करने वाली और मासूम बेटे के सामने रेप और फोटो खींचने की सनसनीखेज वारदात बनियाठेर थाना इलाके की है, जहां पति की गैर मौजूदगी में पति का दोस्त अपने साथी को लेकर दोस्त के घर पहुंचा। आरोप के अनुसार आरोपी ने साथी ने उसके बेटे को पकड़ लिया और फोटो खींचे, तथा दरिंदे दोस्त ने महिला का रेप किया। आरोपी की इस दौरान महिला का पति भी पहुंच गया। आरोपी रेपिस्ट ने उसकी उंगलियां काट ली तथा फोटो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता के अनुसार आरोपी 2 साल से रेप कर रहा था, वीडियो वायरल करने की धमकी भी दे रहा था। पुलिस ने मामले में रेप बंधक बनाने और धमकी आदि की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बनियाठेर थाना क्षेत्र के अशोक नगर से दुष्कर्म का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? उस रात को हमारे पास एक फोन आया कि मतलब हमारे घर में कुछ 2 लड़के घुस गए हैं, और हम लोग जब मौके पर पहुंचे तो वहां पे कोई व्यक्ति हमें मिला नहीं, लेकिन एक व्यक्ति की बाइक खड़ी थी घर के अंदर। हम लोगों ने महिला से पूछताछ की, महिला ने बताया कि एक व्यक्ति है जो जिससे मैं पहले बातचीत कर रही थी, वो मेरे घर में घुस आया था, उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया और मेरे पति ने उसको रोकने की कोशिश की तो वो छुड़ाकर भाग गया। फिर हम लोगों ने महिला की तहरीर के आधार पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की जो भी विधिक कार्रवाई ये की जा रही है, जो भी व्यक्ति जिस व्यक्ति का को उसने आरोपी बनाया उस व्यक्ति को से पूछताछ की जा रही है, मामले की पूरी विवेचना की जा रही है, जो भी सही तथ्य होंगे वो सामने आ जाएंगे।